हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नीलोफर्स किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ नवरत्न कोरमा। तो आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। दो टमाटो है जिसको मैंने रफली चॉप कर ली हूँ, दो प्याज है, चार हरी मिर्ची है, 1 टेबलस्पून किशमिश है, 2 टेबलस्पून काजू है। इसका मैं एक फाइन सा पेस्ट बना लूँगी। यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स ली हूँ, कॉलीफ्लावर, कैप्सिकम, कैरेट और पोटैटो। मैंने इस तरह से बारीक बारीक काट ली हूँ और इसमें वटाने हैं, बीन्स है और इसमें भी कैरेट्स है। मैं इसको पहले फ्राई कर लूँगी। मैंने यहाँ पैन चढ़ा दी हूँ गर्म होने के लिए। इसके अंदर मैं लगभग 1 कप इतना तेल डालूँगी। तेल को हम गर्म होने देंगे अच्छी तरह से। गर्म हो चुका है, इसके अंदर अब मैं फ्लावर ऐड करूँगी फ्राई करने के लिए। बस हल्का सा फ्राई करना है। आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं या हल्का सा बॉईल भी कर सकते हैं। जैसे पानी को गर्म कर लिया और सिर्फ 5 मिनट के लिए भाजी को बॉईल करके उसका जो पूरा पानी है वो ड्रेन कर सकते हैं आप, या तो इस तरह से आप फ्राई भी कर सकते हैं। हाफ कप काजू है जो मैं कोरमे में ऐड करूँगी। हाफ कप काजू, ये देखें हल्का सा इस पर गोल्डन कलर आ गया। मैं इसको निकाल लूँगी एक प्लेट में। मैंने फ्लेम को मीडियम हाई पे कर दी हूँ। इसी तेल में मैं पोटैटो फ्राई करूँगी। हल्के गोल्डन हो चुके हैं, साथ ही मैं इसमें कैरेट डालूँगी, कैप्सिकम भी डाल दूँगी। दो तीन मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम इनको। देखिए पोटैटो कैरेट भी हो चुके हैं, इनको भी मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। सेम तेल में काजू भी फ्राई कर लूंगी। मेरी किशमिश भी, सॉरी काजू भी फ्राई हो चुके हैं। मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूंगी। तेल में मैं 1 टीस्पून जीरा ऐड करूंगी और ये जो मैंने मसाला पीसी थी, टोमेटो, प्याज, हरी मिर्ची, काजू, किशमिश का, वो भी ऐड कर दूंगी इसके अंदर। इसको अच्छी तरह से हम सौते कर लेंगे मसाले को 4-5 मिनट तक। मैंने फ्लेम को मीडियम हाई कर दी हूँ। अच्छी तरह से मसाले को हम सौटे कर लेंगे। मसाला अच्छी तरह से सौटे हो गया, इसमें बाकी के स्पाइसेस ऐड करूँगी मैं। 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर,
वन टीस्पून हल्दी, वन टीस्पून गरम मसाले की पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको। इसी में मैं किशमिश ऐड कर दूंगी। 2 टेबलस्पून किशमिश ऐड की हूँ मैंने इसके अंदर। नमक हसबे ज़रूरत, मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। इसके अंदर मैं अभी अपने वेजिटेबल्स ऐड करूंगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। देखिए कलर कितना खूबसूरत लग रहा है इसका। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ये जो मसाला जिसमें जो पीसी थी ना, जो मसाला था नीचे, उसी का मैंने पानी ऐड की हूँ। हाफ कप इतना पानी है, इससे ज़्यादा पानी हमें नहीं ऐड करना है। मैं फ्लावर बाद में ऐड करूँगी, क्योंकि फ्लावर फ्राई हो चुकी है तो वो जल्दी से पक जाएगी। ये बाकी सब्जियों को थोड़ा पकने में टाइम लगता है। इसको 5 मिनट्स में अच्छी तरह से कुक कर लूँगी। देखिए मेरी बाकी की सब्जियां पक चुकी हैं। मैं ये फ्राई किया हुआ फ्लावर ऐड करूंगी और इसको एक अच्छा सा बॉईल आने दूंगी और फिर मैं इसको बंद कर दूंगी। आप ग्रेवी आपके हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसको और 5 मिनट्स पकाऊंगी, एक अच्छा सा बॉईल आने दूंगी उसको। कवर करके मैं इसको 5 मिनट्स एक अच्छा सा बॉईल आने दूंगी। इसको अच्छा तेल छूटने तक हम इसको पकाएंगे। इसको ढक्कन लगा के तेल छूटने तक इसको हम अच्छी तरह से पका लेंगे। इसको कम से कम 15 से 20 मिनट लगेंगे। चलिए अब चेक करते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से पक चुका है ये। इसके अंदर अभी हम एक बटर का टुकड़ा ऐड करेंगे और थोड़ी सी कोथमीर ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा, ऑप्शनल है पनीर, अगर आपको चाहिए तो आप ऐड कर सकते हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं पनीर को। मैंने हल्के से सोटे करके पनीर ऐड की हूँ इसके अंदर। मैंने फ्लेम बंद कर दी हूँ। मेरे नवरत्न कौरमे की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।